हेलो फ्रेंड्स, मैं हसीना आप सभी को हसीना टिप्स चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि बच्चे की गर्दन कैसे लंबी करें। कई बच्चों को देखा होगा कि बच्चों की गर्दन बहुत छोटी होती है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में पूरी प्रैक्टिकल करके बताएंगे और पूरी सावधानी से करेंगे, इसलिए आप सभी भी सावधानी से करें। तो फ्रेंड्स, आज आपको इस वीडियो को पूरी देखें, इसकी बिल्कुल ना करें और पूरी देखेंगे तो ही आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। का कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम एक दुपट्टा लेंगे। इस दुपट्टे को ऐसे करेंगे, फिर इसमें दो गांठ लगानी है। ऐसे करके ऐसे, और दूसरी गांठ तीन अंगुल या दो अंगुल के बीच में इतना स्पेस बनाएं। दूसरी गांठ और लगाएं। ये देखो, इस तरफ दो अंगुल और इस तरफ तीन अंगुलियां। बच्चे की गर्दन इतनी होती है। ये देखो, इधर से ये। फिर हम ऐसे बच्चे को सिर को ऊपर करके गर्दन के बीच में लगा देंगे। ये देखो, तो इधर स्पेस बन गया। और इसको हटाएंगे तो गर्दन ऐसे होगी, ये ऐसे। मैं आपको वापस रख के बताती हूँ। ये देखो, ये स्पेस बन गया। तो ये तभी करें जब बच्चे को पूरी नींद आए, उसके बाद ही ये इसको रखना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे की गर्दन लंबी होती है। और थोड़ा सा तेल लेके भी बच्चे के ऐसे ऐसे गर्दन पे मालिश करें। फिर भी बच्चे की लंबी होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? धन्यवाद।